10 बजे चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे, फिर 12 बजे बच्चों को खाना देंगे, करेगा बच्चा नींद आएगा, आंखों में क्या पड़ेगा आप बताओ। यहाँ तुम बच्चों को पूछते थे, तुमने कहा कल क्या काम मिला मैडम को करके, देख फोन ना देखते ना किताब देखते, वो गेम 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 गेम, घर में माँ बाप की लड़ाई। मैडम को कल छुट्टी है के बारे में बताएंगे, ईद है हुआ बताएंगे, मुहर्रम है हुआ बताएंगे, छुट्टी के बारे में सब कुछ बताएंगे। बच्चों को ये भी बोलोगे, बच्चों आपको पता है आपकी मम्मी घर पर है नहीं है, सब कुछ पूछेंगे। पर बच्चे जो है हमारे को ध्यान देने वाला है, एक भी बच्चा ध्यान नहीं देते आपको। सुबह से शाम तक हमारे बच्चे यहाँ के बच्चे पूरे बाहर ही मिलेंगे, जो कोई काम नहीं करेंगे वो बच्चे यहाँ के बच्चे जरूर काम करेंगे। आप पढ़ाई के लिए बोलते, पढ़ाई टीचर तो अपने टाइम निकाल के जरूर बैठेगी ना, हमारे भी स्कूल में टीचर जाती है, दो दो टीचर को ड्यूटी लगी है, दो टीचर आ जाएंगे, दो कल जाएंगे, दो परसों जाएंगे, इकट्ठे नहीं जाएंगे, और हमको हफ्ते में एक दिन बुलाते हैं, हम भी ड्यूटी करती है, बात नहीं है। पर टीचर ये नहीं बोलेगी कि बच्चों को, यहाँ तुम बच्चों को पूछ सकते, तुमने कहा कल क्या काम मिला मैडम को करके, देख फोन ना देखते ना किताब देखते, वो गेम 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 गेम, घर में माँ बाप की लड़ाई। बताओ आप बताओ, हमने ये गलत बोले सही बोला आप? वही बच्चे वही गेम के बारे में हम अपने बच्चों को जरूर डांटते हो, हम भी डांटते हैं अपने बच्चों को कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो। माँ बाप बोलते हैं उनकी स्कूल से शिकायतें नहीं आती, तो रहना तो अपने आप करेंगे जो करेंगे। हमारा तो ये है, हम अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के एक भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेंगे ना उनके नंबर आते हैं। इंडिया बच्चों को तो हिंदी में मात्रा कितनी होती है, ये आप यहाँ के बच्चे मतलब क्या कह रहे हो? हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी के बच्चे एक भी पढ़ने वाले नहीं है। तो ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं? ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहते, वजह क्या है? इनके माँ बाप की जो है ना शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है उनको, माँ बाप सुबह से शाम तक कोठी में रहती है, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है माँ बाप जो है वो घरों घरों में काम करते हैं, इसलिए आगे बच्चों को नहीं देते हैं। एक बार एरिया का नाम आप दोबारा बता दीजिएगा, कौन सी एरिया का नाम जहाँ आप रहते हैं? ये तो मोतीलाल नेहरू कैंप है। कहाँ पर पड़ता है ये? JNU के अंदर पड़ता है। तो ये मोतीलाल नेहरू कैंप का एरिया है, यहाँ के बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप सारा दिन काम पर रहते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि माँ बाप की निगरानी में नहीं है। बच्चों क्या बता सकते हैं, आप बताओ। जब माँ बाप घर में नहीं रहते, रात को 9 बजे 11 बजे ड्यूटी से खाना आते हैं, फिर 10 बजे चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे, फिर 12 बजे बच्चों को खाना देंगे, करेगा बच्चा नींद आएगा, आंखों में क्या पड़ेगा आप बताओ? आप बताओ नहीं, हम गलत बोलते आप बताओ। हम खुद हमको ये चीज़ की पूरी जानकारी है, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें नहीं, फिर भी हम अपने बच्चों को काफ़ी डांटते हैं। हमने अपने बच्चों को ट्यूशन भी लगा रखा है, पहले हमारा ट्यूशन वाले घर में पढ़ाता, अब हमने बच्चे को घर वाले नहीं मिले, वो ज़्यादा पैसे लेता, हमारे बच्चे खुद 1 घंटे ट्यूशन जाते 4 से 5, और सुबह 9 बजे से आपको हमारे बच्चे ना दरवाज़ा खोलेंगे ना किसी से बात करेंगे, ये होता ही पढ़ाई।